ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग रेडमी 13C 5G फोन में गाइस आपको कैमरा सेटिंग किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मतलब इस फोन में गाइस आपको किस प्रकार का कैमरा सेटिंग करना होगा, किस तरह से करने से गाइस इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो गाइस इंप्रूव होगा, उसके बाद गाइस आप लोग कैमरा का जो रेशो वगैरह है मतलब कैमरा फुल स्क्रीन किस तरह से कर सकते हो, मतलब गाइस आज मैं आपको रेडमी 13C 5G फोन में पूरा ही कैमरा सेटिंग करना सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको कौन सा सेटिंग करना चाहिए, कैसे करने से आपका कैमरा क्वालिटी बढ़ेगा, उसके बाद मतलब पूरा ही कैमरा सेटिंग के बारे में बताऊंगा Redmi 13 से 5G फोन में। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से कर सकते हो वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो, और गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्द से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास Redmi 13C 5G स्मार्टफोन जो कि गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो और गाइस इसका कैमरा जो कि गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। सो दोस्तों इसमें गाइस अभी आपको कैमरा सेटिंग ठीक करने के लिए क्या करना होगा ना, इस फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है मतलब इस फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस इसका कैमरा ठीक करने के लिए गाइस अभी आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद वेल यूजिंग द ऐप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर देने के बाद गाइस आपका जो कैमरा है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी है, यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे फोटो है, पोर्ट्रेट है, नाइट और यह गाइस 50 MP। गाइस अगर आप लोग ऐसा फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद गाइस ये जो फोटो है इसका क्वालिटी गाइस बहुत ही ज्यादा आएगा क्योंकि ये गाइस 50 MP से फोटो खींचा हुआ फोटो है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे जूम करोगे तो देखो गाइस यहाँ पे कितना प्रकार से यहाँ पे जूम होता है, मतलब ये HD फोटो आपका फोटो यहाँ पे निकल के आ जाता है। उसके बाद गाइस और भी सेटिंग यहाँ पे बताना चाहूंगा। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर से स्वाइप करोगे ना, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारा सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग देखो फ्लैश, यहाँ पे देखो फ्लैश, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो फ्लैश है गाइस आप लोग कस्टमाइज कर पाओगे जैसे कि देख पा रहे हो ऑटो ऑन और यहाँ पे टॉर्च भी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बैक चलाता, उसके बाद यहाँ पे देखो एस्पेक्ट रेशो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे 1:1 लगा दोगे तो दोस्तों आपका जो रेशो है वो गाइस यहाँ पे छोटा हो जाएगा। उसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ पे 19:16 लगा दोगे तो दोस्तों आपका जो रेशो है कैमरा का जो रेशो है जैसे देख पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो चुके। उसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ पे फुल कर दोगे ना तो दोस्तों आपका जो कैमरा है गाइस यहाँ पे फुल हो चुके जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो फोटो है अभी बहुत ही मस्त आएगा। उसके बाद गाइस और भी यहाँ पे सेटिंग है जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा सेटिंग है, टाइमर, वॉइस शूटर, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे सेटिंग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो मार्क भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं गाइस मेन सेटिंग के बारे में। गाइस अभी मेन सेटिंग है कि गाइस अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हो ना, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। गाइस यहाँ पे देखो पिक्चर क्वालिटी, गाइस अगर आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड पे लगा रखोगे ना तो गाइस आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो गाइस बहुत ही खराब आएगा। उसके बाद गाइस अगर आप लोग लो पे लगा रखोगे तो गाइस और भी यहाँ पे खराब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी हाई पे रहते हैं तो गाइस आप लोग यहाँ पे हाई पे लगाओ। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे मिरर फ्रंट कैमरा, मतलब यहाँ पे बहुत ही कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो टैप टू टेक ए फोटो, गाइस अगर आप लोग ऑन कर दोगे ना, ऑन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करोगे जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोटो शूट होगा जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, फोटो का क्वालिटी भी बढ़िया है। उसके बाद गाइस और भी सेटिंग यहाँ पे बताना चाहूंगा। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑटो फ्रेम यहाँ पे रेट, मतलब ये अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो का फ्रेम है उसके बाद ये ऑन कर देने से ऑटो फ्रेम रेट ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो वीडियो इनकोडर जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, गाइस आप लोग कस्टमाइज करके यहाँ पे वीडियो इनकोडर को यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम बटन फंक्शन, गाइस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा होता है। उसके बाद गाइस अगर आप लोग बोले यहाँ पे जूम पे लगा दोगे, उसके बाद गाइस अगर आप लोग वॉल्यूम बटन यहाँ पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे जूम होगा जैसे गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जूम होता है वॉल्यूम बटन यहाँ पे क्लिक करने से। उसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस जो वॉल्यूम फंक्शन है और भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे लगा दोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ही बढ़ेगा। उसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ पे शटर पे लगा दोगे ना, शटर पे लगा देने के बाद गाइस अभी आप लोग यहाँ पे जैसे वॉल्यूम बटन यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे गाइस फोटो क्लिक होगा। सो दोस्तों ये जो सेटिंग है ये भी बहुत ही मस्त है। उसके बाद गाइस अगर आपको यहाँ पे आपको और भी एक बढ़िया सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख सकते हो कस्टम शटर साउंड जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है गाइस आपका डिफॉल्ट, देखिए गाइस आपका ये है डिफॉल्ट। उसके बाद ये है रेट्रो, उसके बाद ये है फिल्म, उसके बाद ये है मॉडर्न,
देखिए गाइस यहाँ पे आपको 400 यहाँ पे मतलब शटर साउंड यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग कस्टमाइज करके यहाँ पे रेफ्रेश रेट भी लगा सकते हो। देखिए गाइस यहाँ पे 50 हर्ट्ज पर है, उसके बाद ऑटो भी लगा सकते हो, 60 हर्ट्ज पे भी यहाँ पे लगा सकते हो। सो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा गाइस आप लोग ऑटो पर लगाओ, ऑटो पर लगाने से सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाता है। उसके बाद गाइस अगर आपको यहाँ पे सब कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ पे सेरखानी हो चुका है ना, तो दोस्तों एक क्लिक में यहाँ पे ठीक भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपका जो सेटिंग वगैरह है यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। उसके बाद गाइस अगर आपका पूरा कैमरा का सेटिंग ही रिस्टोर करना है ना, तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा पे लॉन्ग प्रेस करो, उसके बाद यहाँ पे इन्फो यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे क्लियर डेटा यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद क्लियर ऑल डेटा यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो गाइस यहाँ पे नया हो चुका है। देखिए गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस Redmi 13C 5G फोन में आप लोग भी कैमरा सेटिंग ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होता है इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो, और गाइस इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।